बाबा जी को जब एक सेठ ने अपने घर मालपुआ और खीर खाने के लिए बुलाया तो बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा? हाँ बना लेना, कुत्तों का पेट भर जाएगा। जानने के लिए देखें पूरा वीडियो। राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर बाबा जी की चमत्कारी लीला लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। एक बार की बात है, वर्ष 1960 में नैनीताल में बिजनौर शुगर मिल्स के मालिक सेठ कुंदन लाल जी ने एक बार महाराज को अपनी कोठी में आकर प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया। बाबा जी की ज्यादा मनसा न होते हुए भी वे बेमन से राजी हो गए जाने के लिए। फिर सेठ जी ने बाबा जी से पूछा, कब आएंगे आप? तब बाबा जी ने कहा, जब प्रभु की इच्छा होगी तब आ जाएंगे। तब सेठ जी फट से बोले, कल आ जाइए फिर। बाबा जी ने इसमें भी हामी भर दी। सेठ जी इतने भर में भी संतुष्ट हो जाते तो शायद बात बन जाती, पर वो तुरंत पूछ बैठे, क्या बनवाऊं खाने में? बाबा जी ने कहा, मिस्सी रोटी और दाल। पर शायद सेठ जी को सेठ होने के कारण दाल और मिस्सी रोटी में अपनी संपन्नता कुछ कम दिखाई पड़ी, सो वो बोल पड़े, रोटी दाल नहीं महाराज, कल तो हम मालपुआ और खीर बनवाएंगे। बाबा जी को यह रुचिकर न लगा तो वो बोल पड़े, ठीक है, मालपुआ और खीर ही बना लेना, कुत्तों का पेट भरेगा। और इतना कहकर उन्होंने सेठ जी को विदा कर दिया। सेठ जी अपने मत में महाराज जी के कथन और उनके व्यवहार को समझ न पाए और दूसरे ही दिन सेठ जी ने बड़ी ही मात्रा में मालपुआ और खीर की व्यवस्था कर दी बाबा जी के लिए और उनके भक्तों के लिए। फिर सेठ जी ने बाबा जी को लेने के लिए अपनी कार भिजवाई तो वह भीषण वर्षा के कारण आधे रास्ते में फंस गई और उधर बाबा जी भी अपने आश्रम से कहीं और ही चले गए। इसी बीच बाबा जी के इंतजार में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि भंडारा जहाँ बन रहा था उसके पीछे का दरवाजा खुला रह गया और वहाँ से दो कुत्तों ने घुसकर मालपुआ और खीर चट कर दिया और सारा सामान इधर उधर फैला दिया। सेठ जी इस लीला को देखते रह गए और सोचने लगे, ऐसा क्यों हुआ? पर उस मंद बुद्धि के तब भी समझ न आया कि यह सब क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब है, अहंकारहीन तथा भाव से भरा हुआ चाहे कुछ भी हो रूखा सूखा, प्रभु उसे स्वीकारते हैं। प्रभु तो प्यार और भाव की रोटी खाते हैं, परंतु अगर व्यक्ति के अंदर अहंकार हो और भाव रहित हो तब चाहे आप कुछ भी कर लो, प्रभु उस चीज़ को कभी नहीं स्वीकारते, चाहे फिर वो चीज़ कितनी ही बहुमूल्य हो। तो दोस्तों, ऐसी लीलाएं थी नीम करौली बाबा जी की और ये भी सब सत्य पर आधारित, परंतु हो सकता है आज के मानव को ये सब काल्पनिक लगे। पर कहते हैं, जो भी सच्ची आस्था से बाबा जी को मानता है, उनका ध्यान करता है, वो खुद ब खुद उनके चमत्कारों को अनुभव कर पाता है। तो अगर आप भी बाबा जी के चमत्कारों को अनुभव करना चाहते हैं तो पहले उन्हें मानना जरूरी है। आशा करती हूँ बाबा जी की लीला का ये भाग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।